आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमृतसर का प्रसिद्ध अमृतसर की पनीर भुर्जी। इसका टेस्ट इतना ऑथेंटिक है कि आपको लगेगा कि आप अमृतसर की गलियों में वहीं का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। और इसे बनाना बेहद ही आसान है। और इसे बनाने के लिए हम गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को लो मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा भून लेंगे। और साथ में इसके हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी साथ में डालने के बाद में हम इसको भून लेंगे दोनों को एक साथ, जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए और जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और इसको हम एक बर्तन के अंदर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। इसको अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम एक पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे और इसको खूब तेज गर्म कर लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो बेसन हमने भून करके रखा था उसके अंदर 1 कप दही डाल देंगे और उसके अंदर अब डालेंगे मसाले। 1 चम्मच हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम डाल देंगे किचन किंग पाउडर और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब इसको नमक डाल देंगे हम इसके स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल पतला पेस्ट इसका हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने ऑयल गर्म किया था वो हल्का ठंडा हो चुका है और उसके अंदर 1 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये तीखी भी नहीं होती है। अब इसको हम ऑयल को हम उस बैटर के अंदर डाल देंगे और ये देखिए, ये हमारा जो मसाला है वो बन करके तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर 1 चम्मच डालना है चाट मसाला पाउडर और 1/2 हम डाल देंगे नींबू का रस और इसको बिल्कुल अच्छे तरह से हम मिक्स कर देंगे। और अब इसको हम रख देते हैं। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ही मक्खन डाल देंगे। मक्खन और ऑयल को साथ में इसीलिए डाला है ताकि मक्खन जल ना जाए। अब यहाँ पर ये मक्खन और ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको गोल्डन कलर तक हम अच्छे से भूनेंगे। इसको हमें बिल्कुल गोल्डन कलर करना है और ये प्याज गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर 3 मैंने टमाटर लिए हैं, रफली चॉप किए हैं, उसको भी डाल देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अब हम चला देंगे। इन सब को अब हम मिक्स कर देंगे। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए हमें इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। और ये देखिए, ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो दही और बेसन का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें 1/2 कप पानी डाल करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए, इसको हमें बिल्कुल अच्छे से चलाते रहना है और इसको हमें लो फ्लेम पर ही हमें इसको। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए, ऑयल चारों तरफ से इसके आ गया है, सेपरेट हो चुका है ऑयल और ये मसाला भून करके अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर बारी है पनीर डालने की। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। और क्रश करने के बाद में हम इसको मसाले के अंदर डाल देंगे जो हमने मसाला भुना था। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पनीर को। ये देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध और दूध डालने के बाद में हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है। दूध डालने से ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे जब तक कि इसका ऑयल या घी सेपरेट ना हो जाए। इसकी टेस्ट और खुशबू बहुत ही शानदार है और ये देखिए, ऑयल और इसका जो घी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। कम पनीर में ज़्यादा सब्जी बनानी हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं और पनीर कम है तो आप इस सब्जी को भी बना सकते हैं। और ये बनकर के तैयार है अमृतसरी पनीर भुर्जी। आप इसको तंदूरी रोटी, नान या कुलचे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब बनकर के तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाएं पिएं और एंजॉय करें।